अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका प्रीक्वल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलिए वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म की शुरुआत ब्लाइंड चैन की एक प्राचीन कहानी के नरेशन से होती है, जो एक समय पहले जीलिंग ब्रदर्स को इम्पीरियल पैलेस माउंट पिंगशन तियानिया के ताबूत के खोज में ले गए थे, जहाँ वो मरते मरते बचे थे क्योंकि उन्हें वहाँ कैमोफ्लॉज में छिपा एक अदृश्य मकबरा मिला। पर इससे पहले कि वो उसे खोलने का भी सोचे, वो अचानक से जोर जोर से हिलने लगा और मकबरे का दरवाजा टूटते ही उसमें से एक प्राचीन गोसली योद्धा निकला, जो उन पर हमला करने लगा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, वो सभी पर अकेले भारी पड़ रहा था। अंत में जॉम्बी योद्धा उनकी जान लेने ही वाला था कि तभी एक प्राचीन योद्धा की टीम लेड बाय जेगू शाओ ने जॉम्बी योद्धा पर धावा बोला, पर उनका भी वार उसके कवच को भेद नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि बंदूक की गोलियां से भी उसे खरोंच तक नहीं आ रही थी। पर अंत में जेगू शाओ उसे मकबरे में रिटर्न कैद करने में सफल रहे। पर इससे पहले कि वो राहत की सांस ले सके, उसी पल एक प्राचीन पर्शियन गार्डन 6 पंखों वाला विशाल जहरीला गूंजर प्रकट हुआ। पर जेगू जैसे ही उस विशाल गूंजर से लड़ने बढ़े कि मूवी करंट समय में ब्लाइंड चैन की तरफ मुड़ जाती है, जो सभी से अपनी कहानी शेयर कर रहे थे, पर कोई भी उनकी कहानी पर यकीन नहीं करता और उन्हें पागल करार करके वहां से निकल जाते हैं। उसकी कुछ देर बाद बायू उनसे मिलने आया, जो द मिलेनियन एलिक्सर यानी कि अमृत की तलाश में, जिसमें लेजेंड्स के अनुसार किसी भी बीमार इंसान को क्योर करने की शक्ति है। दरअसल प्रीक्वल में ऑप के खोज में गोल्ड टीथ को ह्यूमन फेस मकड़ियों ने काट लिया और अब उसके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। पर ब्लाइंड चैन से उसे एक बुरी खबर मिलती है कि जेगू शाओ ने खुद गूंजर से युद्ध करते दौरान वो सारा अमृत पी गया, यानी कि गोल्ड टीथ अब बच नहीं पाएगा। ये कम नहीं था कि बायो को यांग से एक बुरी खबर मिलती है कि उसका साथी वांग को एक माफिया ने पकड़ लिया उनके इलाके में बिना परमिशन के एंटीक का बिजनेस करने की कोशिश में। वो माफिया यहाँ वांग की जान लेने ही वाले होते हैं कि एन मौके पर बायू और यांग मिलकर वांग को बचा लेते हैं। दोनों ग्रुप के बीच में अब देर तक लड़ाई छिड़ जाती है, पर अंत में बायू को अपना हथियार डालना पड़ता है वांग की जान के खातिर। माफिया मिस्टर जो बायू के सामने उसके भाई की जान के बदले एक सौदा करता है, वो बायू को एक प्राचीन राजवंश का एक मोजिन फैमिली से बिलोंग करता फैक्यू चुआंगन का सील दिखाता है, जो उसे एक अजनबी ने कुछ साल पहले दी थी, जिसने उसे दावा किया था कि वो ब्लाइंड चैन के साथ उसी दौरान माउंट पिंगशन गया था उसी मकबरे के तलाश में। मिस्टर जो के अनुसार पिंगशन के मकबरे में जरूर कोई बेशकीमती खजाना छिपा है, इसलिए वो इतना सिक्योरली गार्डेड है जिसे सिर्फ एक मोजिन कैप्टन ही खोज सकता है, जिस खानदान का इकलौता वारिस बायू और यांग ही है। यदि वो उसे खोजने में मदद करे तो वो उसके भाई को कुछ नहीं करेगा। वहीं इसी खोज के दौरान उसे वो अमृत भी मिल सकता है, जो दरअसल उसी गूंजर के शरीर में दौड़ रहा है। यांग भी सभी से उनके ग्रैंडफादर के बताए एक कहानी के बारे में शेयर करती है कि एक समय मोजिन कैप्टन लेड बाय योद्धा फैक्यू चुआंगन अपने सम्राट के कहने पर पिंगशन के मकबरे के तलाश में निकले थे, पर वो और उसके साथी कभी वहां से लौटे ही नहीं। फिर कुछ साल बाद एक योद्धा जरूर लौटा, पर उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला कि आखिर उसके साथ उस मकबरे में क्या हुआ। पर ये सब इग्नोर करके सभी ट्रेन और फिर ट्रक से लंबा सफर करके माउंट पिंगशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक सुनसान गांव डिस्कवर करते हैं जहां उनकी मुलाकात हुआ से होती है। उन्हें जल्दी पता चलता है कि ब्लाइंड चैन हुआ के ग्रैंडफादर है, जिसे खुद पता नहीं था कि उसके ग्रैंडफादर अब भी जिंदा है, क्योंकि वो इसी गैरफहमी में था कि उसका पूरा खानदान मूवी की शुरुआत में उस गूंजर के हमले में मारे गए। वहीं वही वीर योद्धा जो गूंजर के खिलाफ लड़े थे वो यांग के ग्रैंडफादर थे। हुआ अपने बारे में इतना कुछ समझने के बाद उनका साथ देने का तय करता है, क्योंकि वो ये पहाड़ी इलाका चप्पा चप्पा जानता है। पर सफर के दौरान हुआ एक बुरी खबर बताता है कि मकबरे का प्रवेश द्वार इतने सालों के समय में जमीन में धस गया है, इसलिए उन्हें पीछे के रास्ते से जाना होगा, जिसका पता लगाने के लिए बायू अपने पूर्वजों का टैलेंट दर्शाता है। मकबरा दरअसल ड्रैगन के व्यू को नजर रखते हुए बनाया गया था, इसलिए बायू अपने अचूक कैलकुलेशन से पीछे का रास्ता लोकेट कर लेता है और सभी तुरंत उस स्पॉट पहुंचने पर खोदने लगते हैं। इवेंचुअली उन्हें एक ताबूत मिलता है जिसके नीचे मकबरे में जाने का रास्ता होता है। बायू अनुमान लगाता है कि इस ताबूत को इसीलिए प्रवेश द्वार पर ऐसे रखा गया क्योंकि एक चेतावनी है घुसपैठ करने वालों के लिए कि आगे उनके साथ कैसी कैसी घटना होने वाली है। पर जो बायू के चेतावनी को इग्नोर कर देता है और अब सभी भूमिगत मकबरे में प्रवेश कर जाते हैं, जहां आगे उन्हें कई मटके मिलते हैं जिसमें कुछ तो घिनौना रेंग रहा होता है जो वो देखने में मिस कर जाते हैं। वहीं उनके सामने
सामने एक और ताबूत कॉल्ड द डेड हार्ट कॉफिन रखा मिलता है, जो दरअसल चेतावनी की निशानी होती है कि वापिस लौट जाओ। पर लालची जो फिर से बावे को समझाने पर भी अपने कदम पीछे लेने से इनकार कर देता है, जिसका अंजाम उसे जल्दी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब लाखों में छोटे जानलेवा जहरीले गोंजर उसकी एक साथी पर हमला कर देते हैं और वो बेचारा चीखता चिल्लाता रह जाता है मदद के लिए, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। और अब देखते देखते वो खुद भी चारों तरफ से हजारों जहरीले गोंजर से घिरा हुआ पाते हैं। सभी उन्हें अग्नि की मदद से रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो भी ज्यादा देर तक काम नहीं करते नजर आता। पर तभी वायु को उसी ताबूत पर टियांगुआन का सील नजर आता है, शायद इसके नीचे कोई रास्ता छिपा होगा, इसलिए वायु तुरंत जो का वही सील उस पर रख देता है, जो काम कर जाता है। और अब सभी जैसे पाताल में गिरने लगते हैं, इससे पहले कि गिरकर उनकी चटनी बन जाए वो रास्ते में टंगे हुए चैन की मदद से धीरे धीरे सतह तक पहुंच जाते हैं। वो अब खुद को किसी अजीब चेंबर में पाते हैं, जिसकी बीच कोई इन्फिनिटी डिस्क रखी होती है, जिस पर प्राचीन भाषा में पहेलियां लिखी होती है सुलझाने के लिए, जिसे सुलझाने पर ही उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। जो दावा करता है कि उसे इसका जवाब पता है और बिना सोचे समझे डायल को एक कॉम्बिनेशन पर सेट कर देता है, पर इससे एक जानलेवा ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और अब उन पर चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है, जिसमें जो कि कुछ साथी मारे जाते हैं और बाकी भी मरते मरते बचते हैं अगर भाग्य से ट्रैप डीएक्टिवेट नहीं हुआ होता। इस बार वायु अपने मोजिन एक्सपर्टी की मदद से डायल्स के पहेली को सुलझाने लगता है और इवेंचुअली उसे उसका जवाब मिल जाता है, इसलिए इस बार डायल को सही कॉम्बिनेशन में सेट करने पर एक अद्भुत ही पैसेज रिवील होता है। अब आगे के चेंबर में उन्हें कई मकबरे मिलते हैं, जहां उन्हें उसी योद्धा की लाश मिलती है जो मकबरे के तलाश में कभी लौटे नहीं थे। उन्हें लगता है कि इनकी हत्या जरूर चोरों ने की होगी जो यहाँ लूट के इरादे से आए थे। सभी आगे आने वाले खतरे को फिर से इग्नोर करके अलग हो जाते खोज जारी रखने के लिए, जहां जो वैंग को अपने साथ ले चलता है ताकि बाकी के लोग भाग ना निकले। पर अब वायु का ग्रुप उसी तहखाने पहुंच जाता है जहां हुआ और यैंग की उन्हीं एंसेस्टर्स के लाश मिलते हैं, जो मूवी की शुरुआत में उस ज़ॉम्बी योद्धा और जहरीले गोंजर से लड़े थे। यानी कि ये वही तहखाना है जहां वो विशाल 6 पंखों वाला गोंजर मौजूद है, जो देखते ही देखते ही उन पर टूट पड़ता है। अब वायु और उसके साथियों को अकेले ही विशाल गोंजर का सामना करना पड़ता है, जो उन पर कहर बरसा रहा होता है। पर यैंग अपने पूर्वजों की तरह वीरता से उसे लड़ने की कोशिश करती है, पर हर तरह से विशाल गोंजर उन पर भारी पड़ता नजर आता है। उसे हराना आसान नहीं होगा, इसलिए सभी इन्फिनिटी डिस्क की तरह भागते हैं गोंजर को उसी जानलेवा ट्रैप में फंसाने के लिए। वो तुरंत उसी जाल को ट्रिगर कर देते हैं, पर वो खूंखार और चालाक गोंजर हर वार से बचते हुए उस जाल को डीएक्टिवेट कर देता है। अब ऐसे नजर आने लगता है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर फिर वायु और यैंग एक और चालाक प्लान मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं। वायु विशाल गोंजर को खाई की तरफ लूर करता है और सही समय पर यैंग उस पैसेज को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे वो विशाल गोंजर खाई में गिर जाता है और वायु सही समय पर कूद जाता है। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि इन्फिनिटी डिस्क पर अब कुछ अजीब सा प्रकट हुआ है, जिसे प्रेस करने पर 2 विशाल मूर्तियां निकल कर आती है, जिसमें से एक के हाथ में एक विशाल चक्र ये दर्शाता है कि इसे डेड व्हील कहते हैं, जो इंसान की मृत्यु को दर्शाता है। वहीं दूसरे के हाथ में एक झेंडा इंसान के क्षमता को दर्शाता है कि आखिर इंसान कहां तक अपनी शक्ति को दबा सकता है। वायु इनसे ये फिगर आउट कर लेता है कि ये दोनों भी भूत की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि शायद यहाँ कोई डरावना इवल राज छिपा है। इससे यैंग भी रियलाइज करती कि अब तक वो सारे चेतावनी, जैसे प्रवेश द्वार पर वो ताबूत, फिर वो डेड हार्ट ताबूत और वो तीर वाले ट्रैप्स और फिर वो भयानक विशाल गोंजर, उन्हें शायद जानबूझकर उन्हीं योद्धा मुजिन्स के कैप्टन ने बिछाया था किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने के लिए, ताकि कोई भी यहाँ छिपे उस भयानक राज की खोज ना कर सके। वहीं यहाँ दूसरा ग्रुप एक नए तहखाने की खोज करते हैं, जहाँ उन्हें फैक्यू चुआंगेन के योद्धा की लाश मिलती है, जहाँ अब जो वैंग से कन्फेस करता है कि उसके पूर्वजों को अमृत के बारे में पहले से पता था, कि एक सम्राट अमृत को बनाने की खोज में लगा था और उन्होंने एक ऐसा वॉरंट तलवार का निर्माण किया जो किसी को भी अमर बना सकता है। फैक्यू ट्वेंगन के योद्धा इसी खोज में निकले थे। वैंग को जो का ये डबल क्रॉस पसंद नहीं आता, इसलिए उस पर अपना गुस्सा निकाल देता है, पर अब वो उसे गन के नोक पर आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। वो अब किसी अद्भुत चेंबर में दाखिल होते हैं, जहां उसी तलवार का पुतला लटका होता है जिससे कोई रहस्यमय पानी टपक रहा होता है। इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ समझे, उन्हें कुछ अजीब होने लगता है और उनकी दुनिया जैसे फेड होने लगती है। इतना कम नहीं कि
वायु और उसके साथी अचानक में प्रकट होकर उन पर हमला करने लगते हैं और उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वैंग और जो के लोगों को कुछ समझ नहीं आता, फिर तभी वायु और उसके साथियों के डुप्लीकेट्स आ धमकते हैं जो उनके फेक डुप्लीकेट से पीछा छुड़ाने में मदद करते हैं। बाद में उन्हें समझ आता है कि इस विशाल मीनार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से ये मीनार चमगादड़ की तरह लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे इंसान हेलुसिनेट करने लगता है और उन्हें हर चीज डबल नजर आने लगती है। वायु अब जो से फिर से एक और विनती करता है आगे ना बढ़ने की, जिस तरह से उन्हें अब तक कई चेतावनी मिले, पर जिद्दी जो गन के नोक पर उन्हें आगे प्रोसीड करने का आदेश देता है। और अब वायु के उसी मीनार के भीतर छिपे बटन को प्रेस करने पर एक नए चेंबर का दरवाजा खुल जाता है, जो एक विशाल गुफा निकलती है, जिसके अंत में फाइनली उन्हें मकबरे का दरवाजा नजर आता है। पर लेजेंड्स के अनुसार इसे सिर्फ एक मोजिन के बलिदान से खोला जा सकता है, जिस खानदान से सिर्फ वायु, वैंग और यांग बिलोंग करते हैं। अपनी साथियों की जान बचाने के लिए वायु खुद का बलिदान देने का तय करता है, इस शर्त पर कि जो उनके बाकी साथियों को रिहा कर देगा। वायु के साथी उसे ऐसा ना करने की बहुत विनती करते हैं, पर वायु पीछे नहीं हटता और सीधे खाई में छलांग लगाने के लिए भाग पड़ता है। पर एवेंजर्स एंड गेम के ब्लैक विडो की तरह वैंग उसे रस्सी से धर लेता है, वो उसे बलिदान देने नहीं दे सकता, इसलिए खुद उसे अपना आखिरी अलविदा करके अपना बलिदान देने के लिए खाई में छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और देखते ही देखते मकबरे का दरवाजा खुल जाता है। और अब रहस्यमय कारण से उसी चेंबर से टैंगुएन योद्धा के शूरवीरता के गाने की पुकार सुनाई देने लगती है। उनके पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय आगे बढ़ने के। अंदर प्रवेश करने पर यांग रियलाइज करती है कि चेंबर में मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण टैंगुएन योद्धा के आखिरी शब्द इसमें टेप रिकॉर्डर की तरह ट्रैप रह गए, इसलिए चेंबर का दरवाजा खोलने पर उन्हें उनकी वो आखिरी कहे शब्द सुनाई देने लगे। अब तहखाने के आखिर में पहुंचने पर उन्हें टैंगुएन के लीडर का सड़ा हुआ शव मिलता है, जिसके हाथों में वही लेजेंडरी वॉरन की तलवार होती है, जिसे जो के छूने पर उस लाश से जैसे कोई डार्क इवल स्पिरिट रिहा होते नजर आता है। वायु को अब समझ आता है कि यहाँ कोई खजाना या मकबरा छिपा नहीं था, बल्कि एक डार्क इवल स्पिरिट ट्रैप था। पर इससे पहले कि जो तलवार को अपने कब्जे में ले, उसके ही साथी उससे दगाबाजी करके उसकी जान ले लेते हैं। इससे पहले कि अब वो बाकियों को भी रास्ते से हटाए, अब अचानक में मरे हुए जो का शरीर में जान आने लगती है और उसका शरीर एक भयानक रूप ले लेता है, जो सबसे पहले अपने साथियों की जान लेने लगता है। वैन को अब समझ आता है कि ये कोई डार्क स्पिरिट का किया नहीं है, बल्कि उस तलवार में डेडली वायरस बसा है, इसलिए मूवी की शुरुआत में वो जॉम्बी लाइक योद्धा कोई शैतान नहीं बल्कि इसी वायरस से इन्फेक्टेड था और अब जो भी इसका शिकार हो गया। इससे पहले कि जो इस वायरस के साथ आजाद हो, सभी उसे वहीं खत्म करने का तय करते हैं और उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। पर अब जॉम्बी जो का साथी भी इन्फेक्ट होकर उसके आदेश पर सब पर टूट पड़ता है। चाहे वायु और उसके साथी कितना भी कोशिश कर ले, वो शक्तिशाली दोनों जॉम्बी के सामने टिक नहीं पाते, उनकी जान निकलने ही वाली होती है कि तभी चमत्कार तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए वैंग आ जाता है उसी विशाल गोंजर के साथ। गोंजर सीधा जॉम्बी जो पर हमला करने लगता है, जिस दौरान वैंग वायु को समझाता है कि वो नीचे गिरने पर कभी मरा ही नहीं, बल्कि उसे गोंजर मिला जिसे उसने अपने काबू में करके अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वायु को भी रियलाइज होता है कि मकबरे में प्रवेश करने के लिए वो बलिदान सिर्फ एक परीक्षा था, परखने के लिए कि मोजिन्स के असली डिसेंडेंट्स अपने भाइयों के लिए जान देने के लिए तैयार है कि नहीं। अब तीनों और वो विशाल गोजर भी मिलकर जॉम्बीज पर टूट पड़ते हैं, पर जॉम्बी जो उसी तलवार से विशाल गोजर को एक ही वार में काट कर रख देता है और अब तीनों उन जॉम्बीज के सामने कमजोर पड़ते नजर आते हैं। इसी दौरान जब वायु एकदम घायल हो जाता है, हमें फ्लैश में दिखाया जाता है कि फैक्यू के योद्धा जब मकबरे के खोज में निकले थे तब वो भी इसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे, पर वो इस इन्फेक्शन को आजाद होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए सारे इन्फेक्टेड वहीं रहकर अपनी कुर्बानी देने का तय किया और सिर्फ एक नॉन इन्फेक्टेड लीडर के आदेश पर वहां से चला गया, जिसे किसी को भी इस जगह और इस इन्फेक्शन के बारे में बताने के लिए मना किया गया था, इसलिए उसने कभी अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं किया। वायु अब उन्हीं योद्धा के बलिदान को याद करके उसमें अब अलग ही जोश पैदा हो जाती है और अंत में जॉम्बी जो का अंत करके ही दम लेता है। इसके बाद वायु उसी गुंजर से अमृत को निकालकर तलवार को वहीं छोड़कर वो सभी वहां से निकल आते हैं। सभी अपने शहर निकलने वाले होते हैं, पर हुआ पीछे रहकर मकबरे की रक्षा करने का तय करता है और आगे वायु शायद उसी अमृत की मदद से गोल्ड टीथ की जान बचा लेगा और इस तरह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ही समाप्त हो जाती है।